नमस्कार दोस्तों, इम्पुटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीपल वृक्ष के बारे में। प्राचीन काल से हमारे बुजुर्गों ने पीपल वृक्ष को बहुत महत्व दिया है। पीपल को लगाना एक बहुत ही नेक कार्य माना जाता है और कुछ लोग पीपल की पूजा करते हैं और पीपल को काटने की मनाही है। उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि हम ज्यादा पीपल के पेड़ लगाएं। आज के युवा इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ लोग उसे अंधविश्वास, कुछ दकियानवी बातें करते हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, अब देश विदेश के अनेक वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि पीपल का वृक्ष इकलौता ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। यानी कि ये ऑक्सीजन पैदा करने की प्रकृति द्वारा दी गई एक मशीन है, जो न हमारे से लाइट लेती है, न इससे पोल्यूशन होता है, न हमें कोई लागत लगती है। दोस्तों पीपल का एक विशाल वृक्ष हजारों आदमियों के लिए दिन रात ऑक्सीजन तैयार करता है। यदि आज हम देखें ऑक्सीजन पैदा करने के जो प्लांट हैं, उनमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और साथ साथ जो पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड उनसे पैदा होती है वो भी यहीं पे इसी वातावरण में घुल मिल जाती है। तो दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो कुदरत द्वारा दिया हुआ ये हमारे लिए विशेष उपहार है, जो हमें प्राणवायु, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, वो हमें दिन रात प्रदान करता है। कोरोना की दूसरी लहर के अंदर हमने देखा कि जितने बड़े बड़े शहर थे, दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां पे लोगों को ऑक्सीजन के लिए कठिनाई पैदा हुई। ऑक्सीजन की कमी के कारण अनेक लोगों ने दम तोड़ दिया। उसका मुख्य कारण क्या था? जो बड़े शहर हैं वहां वृक्षों की अत्यंत कमी है और वहां जो वायु है उसके अंदर ऑक्सीजन की अत्यंत कमी है और जो हम सांस लेते हैं हमारे शरीर को उससे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आज हम बात करेंगे चंद्र प्रावटी की। यह आयुर्वेद की एक मुख्य औषधि है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और राजवेदों ने हर औषधि को उसके कार्य के अनुसार नाम दिया गया है। चंद्र प्रभागा मतलब होता है चंद्रमा जैसी चमक। जिस दवा को खाने से चंद्रमा जैसी चेहरे पर चमक आ जाए, इसलिए इसका नाम चंद्र प्रावटी रखा गया है। यह अनेक रोगों में काम आती है। यह पुरुषों और स्त्रियों में होने वाले अनेक रोगों में काम आती है। मुख्य रूप से यह मूत्र रोगों और यौन संबंधी रोगों में कार्य करती है। यह अनेक औषधियों से तैयार की जाती है। इसमें मुख्य रूप से शुद्ध शिलाजीत व गूगल से ये तैयार होती है। इसके अलावा इसमें 29 तरह की अनेक जड़ी बूटियां जैसे शुद्ध इलायची, लाल चंदन, गोखरू, त्रिकुटा, त्रिफला आदि से यह तैयार की जाती है। चांदी का वर्क चढ़ने के बाद यह और भी गुणकारी हो जाती है। जिन पुरुषों को यौन संबंधी रोग है, दांत गिरना, सारी कमजोरी, यौन कमजोरी, चेहरा मुरझाया होना, चेहरे पर चमक न होना, उन लोगों के लिए यह अत्यंत गुणकारी है। वो इसे 1 से 2 गोली सुबह शाम दूध या जल के साथ सेवन करें। जिन महिलाओं को श्वेत पत्र यानी सफेद पानी, महावारी की गड़बड़ी व यौन कमजोरी आदि रोग हैं, वो भी इसे 1 से 2 गोली सुबह शाम जल के साथ सेवन करें। दोस्तों इसके अनेक कार्य हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके उपयोग लिखे हुए हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से ये मूत्र व यौन संबंधी रोगों में कार्य करती है। दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको समय समय पर अनेक औषधियों और जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।